हैप्पी बर्थडे। आपको ऑटोग्राफ चाहिए? कच्चा घरे पानी पड़ुला प्रधानमंत्री योजना आवास खंड पाइल मु बहुत खुशी अच्छी। ये सब सुविधा पाई कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपण जन्मदिन में पूरा सब बहुत खुशी आम अच्छे। तापर आउ भी गोटे आपण देवा जाऊँच सुभद्रा योजनार आज शुभारंभ हो आहुरी भी आम बहुत खुशी सर। क्या क्या काम करते हैं आप लोग? 10 बहनें इकट्ठी होती थी, क्या करते हैं? सर हम मशरूम का भी काम किया है। मशरूम पे कितनी कमाई होती है आपकी? 10 से 12 हजार तक आ जाते हैं। 10-12 हजार रुपया महीने का? जी। तो आप तो लखपति दीदी हो गई। जी सर। कोरोना आया था अभी तो बहुत कष्ट में चल रहा था, दुकान बंद हो गया। तो बाद आसी गले बीम धनजन योजना जो आसला सेतरे मु अप्लाई करथिली। स्वनिधि योजना रे मु अप्लाई करथिली। तो अभी आपको स्वनिधि का पैसा मिल गया? आगे अभी कितना मिला आपको? मैं प्रथम किस्ती 10 हजार पर पहले में 10 हजार और द्वितीय का 20 हजार दूसरे में 20 हजार आगे। और अभी क्या काम करती है उससे पैसा मिला है? तो सर से जो पैसा मिला है मु जो छोटा सा दुकान था अभी बड़ा किया। ସେଥିରେ 36ଟା ଘରେ ଆମର ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ସାର୍ ମୁଁ ଜଣେ ଆଉ କି ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ହେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବୈସେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଏ ହେଁ ଇସଲିଏ ବୋ ପକ୍କା ଘର ବନାୟା ହେ ଉନକେ ଲିଏ ଔର ଉସମେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଔର ଲାଟ୍ରିନ୍ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ବି ହେ ଲୋକ ବାହାର ଜାନେ ବୋ ଶୌଚାଳୟ କେ ଲିଏ ବାହାର बाहर जा रहे थे पर अभी ठीक से घर में सब कुछ कर रहे हैं। देखिए आपने उड़िया में शुरू करते करते हिंदी में चली गई। इतनी बढ़िया हिंदी बोलती है आप। आप हमारे गांव में आए हम बहुत खुश है, ग्रामवासी भी बहुत खुश है। इंडिपेंडेंट होने के लिए आप बैंक से लोन देते हैं इसीलिए हम बहुत आभारी है आपके। क्या बिजनेस करते हैं? सिलाई करते हैं। सिलाई करते हैं जी। ऐसा कुर्ता बना दोगी? हाँ जरूर बना लेंगे। अच्छा तो मुख्यमंत्री जी को दीजिए मैं पहनूंगा। हम 5 लाख में लोन में टेलरिंग का बिजनेस करते हैं, गारमेंट्स का बिजनेस भी करते हैं, दुकान से लेते हैं, दुकान में दे देते हैं भी हैं। वहीं बैठते हैं? देते हैं। जो जनधन योजना भी किया है, राशन भी हमारा है, हम जीवन ज्योति योजना भी किया है। आपके लिए हम बहुत आभारी हैं। तो आपने ही सब लिया, किसी और को दिलवाया ही नहीं? ना सबको दिलाया, सबको दिलाया। अच्छा कोई किसी को बीच में पैसा रिश्वत तो नहीं देनी पड़ती ना? नहीं नहीं कभी किसी को नहीं दिए, तो आप जो सुभद्रा योजना बनाए हैं जो महिलाओं के लिए वो मतलब हम आपको कैसे मतलब धन्यवाद दें वो समझ में नहीं आ रहा है सर। आप हमारे भारत के हीरो हो। वो कोयले में से निकलता है हीरा। हीरा सर कोहिनूर हीरा। सर पूरा भारत के नहीं पूरा मतलब आप पूरा नेशनल इंटरनेशनल सबसे भी हीरो है आप। सर मैं अभी टेलरिंग करती हूँ और तो इतना काम टेलरिंग का यहाँ चलता है? हाँ सर इधर ज्यादा टेलरिंग वगैरह चलता है मतलब। अच्छा तो आप लोगों की ट्रेनिंग कहीं हुई है कि घर में ही सीख गए? नहीं नहीं ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग जाते हैं। हाँ। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर घर में शुरू करते हैं। हमारे जो ग्रुप सब बैठे हुए हैं हम मिलके भी सब करके फिर भेजते हैं इधर उधर ये सब काम। मैंने शुरू किया है एक पेड़ माँ के नाम, खुद की माँ को याद करके, माँ जिंदा है तो उसको साथ खड़ा रख करके एक पेड़ लगाना, फिर उसको बहुत बड़ा बनाना, संभालना। ये पता है हमारे यहाँ पे एक मैदान है जो बच्चों के लिए खेलने के मैदान है, वहाँ पे हम लगाएंगे। तो फिर खेलने का मैदान चला जाएगा तो क्या करो? साइड में लगाएंगे ना। पक्का? जी सर। उन्होंने ऐसा ना करो बीच में लगा दिया, मेरी माँ तो बहुत बड़ी है ये मेरा पेड़ तो यहाँ लगेगा। नहीं सर ऐसा नहीं करोगे ना। अच्छा प्लास्टिक का उपयोग बंद कर सकते आप लोग? हाँ हाँ हाँ। घर से ठेले लेके पहले जाते थे ना खरीदने के लिए? हाँ। अभी ऐसा तो नहीं ना वो दुकान पे जाते हैं खाली हाथ, वो प्लास्टिक का देता है लेके आते हैं, फिर प्लास्टिक का थैला बाहर फेंक देते हैं,
और गाय खाती है, गाय मर जाती है। सर ये भी कपड़े में भी बना रहे हैं। अच्छा कपड़े की थैले बनाते हैं। कपड़ा वाला आता है वो। जैसे तृतीया युग में राम जी ने सबरी के कुटिया में आए थे उनको उद्धार करने के लिए, वैसे आप आज इस गाड़कण गांव में इस सबर ऊपर सबर साई के कुटिया में आकर हम सबको कृतार्थ कर दिए। अरे मैं तो बेटा हूँ। हाँ बेटा जब माँ के पास जाता है तो उसको आशीर्वाद मिलते हैं, तो मैं तो यहाँ बेटा बन के आया। पहले झुपड़ी में से पक्का घर मिल गया। गैस मिली थी। गैस भी मिल गया। अच्छा आओ कोई जहाँ कले बाहर को जाऊल जार दबट पक्का घर मिलला ठू मत कहले कौन ये कौड़े जीवा आपण दे 2 लाख टाँचा आम से मिसाइकी 2 लाख रुपया। अच्छा आमे मिसाइलु 50,000 दे लाटिन रोसई घर बाथरूम करदेलु रोसई घर कलु तापर खुशी रहिलु। तो हम कभी खाना खाने के लिए आएगा? हाँ साग भात तो डाली साग भात खिलाएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी शुभकामनाएं मुझे बहुत काम आएगी देश के लिए काम करने के लिए। धन्यवाद।